सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित अरब के कई देशों ने कतर पर आतंकवाद को मदद देने का आरोप लगाते हुए उससे अपने संबंध तोड़ लिए थे। अब कुछ लीक हुए ईमेल से इस मामले की एक नई तस्वीर सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईमेल्स के हवाले से अपनी एक खबर में बताया है कि किस तरह यूएई ने तालिबान को अपने यहाँ दूतावास खोलने के लिए राजी करने की कोशिश की, जो ईमेल्स लीक हुए हैं। वे अमेरिकी अधिकारियों और यूएई के राजनयिकों के बीच आपस में भेजे गए थे। इनके मुताबिक यूएई चाहता था कि तालिबान कतर में नहीं बल्कि उसके यहाँ अपना दूतावास शुरू करे। मालूम हो कि कतर की आर्थिक और कूटनीतिक नाकेबंदी करते समय यूएई ने इसी तालिबानी दूतावास का मुद्दा उठाते हुए कतर पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का दूतावास है। यूएई इसके लिए सार्वजनिक तौर पर कतर की आलोचना कर चुका है। मालूम हो कि कतर के साथ रिश्ते तोड़ने और उस पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराते हुए सऊदी, यूएई, बहरीन व अन्य साथी देशों ने कतर के खिलाफ जो कथित सबूत पेश किए उनमें दोहा के अंदर तालिबानी दूतावास की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा गया कि कतर आतंकवादियों का समर्थन करता है। अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओताइबा ने पिछले हफ्ते दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, यह महज संयोग नहीं है कि दोहा में हमास नेतृत्व मौजूद है, वहाँ तालिबानी दूतावास है और मुस्लिम ब्रदरहुड भी वहाँ उपस्थित है। सऊदी और यूएई के नेतृत्व में अरब के कई देशों ने आतंकवाद को शह देने और मदद मुहैया कराने का आरोप लगाकर कतर के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते तोड़ लिए थे।